सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हर्षानी। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, मतलब कुछ भी बना रहा है क्या? कुछ भी नहीं बना रहा हूं। जब मैं बाइक लेने गया था ना, तो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन थी कि यार मैं बाइक एक्चुअली में मुझे बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है। अगर आप बाइक लेना चाह रहे हैं, स्कूटी लेना चाह रहे हैं या कोई और व्हीकल लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, जब मैंने भी बाइक लेनी थी ना, तो मेरे बाइक में बहुत कन्फ्यूजन थी कि यार मैं कौन सी बाइक लूँ, क्या मैं स्कूटी लूँ, क्या मैं बाइक लूँ या फिर कोई और व्हीकल लूँ। तो गाइस, मैं आपको पहले बता दूँ कि मेरे पास एक स्कूटी ऑलरेडी एक्टिवा पड़ी हुई है एंड देन मैंने बाइक लेने का सोचा। गाइस, बाइक लेने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको डिसाइड करना है अपने माइंड में। तो गाइस, नंबर वन चीज़ क्या है, हमेशा कोई भी व्हीकल ले रहे हो आप डिसाइड करो कि उस व्हीकल का पर्पज़ क्या है। आप डिसाइड करो कि आप जॉब करते हो, क्या आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आपने बस ऑफिस जाना है वापस आना है, या फिर आप लॉन्ग राइड्स भी करते हैं, डिलीवरी करते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन के लिए काम करते हैं, बेसिकली आपका फील्ड जॉब है। आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी है। अगर आपका फील्ड वर्क है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ मार्केट में ही घूमना है डिलीवरी ही करनी है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बाइक चलानी है, घूमना है, तो मेरी तरफ से तो आपको एक बिग प्रेफरेंस रहेगी कि यार स्कूटी के ले जाओ। तो हमेशा डिसाइड करना है कि आपका पर्पज़ क्या है। अब पर्पज़ के बाद मैं आपको समझाना चाहूँगा माइलेज, आपको डिसाइड करना है। माइलेज एक ऐसी चीज़ है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लेकिन आप डिसाइड करो कि आप बाइक शौक के लिए खरीद लें। अगर आप शौक के लिए खरीद रहे हैं, रॉयल एनफील्ड खरीद रहे हैं या कोई बड़ी सीसी खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली आप माइलेज का इतना नहीं ध्यान रखोगे। लेकिन अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर अगर आप डिलीवरी का काम करते हैं, माइलेज चाहिए, तो छोटी सीसी या फिर एक्टिवा के लिए जाओ। अगर आपको माइलेज नहीं चाहिए, शौक के लिए ले रहे हो या फिर आप पावर एंड टॉक भी चाहिए, वो मैं एंड में आऊँगा, तो आप बड़ी सीसी ले जाए। तो गाइस, अब आ जाते हैं पावर एंड टॉक पे। पावर एंड टॉक क्या चीज़ है? देखो, आप कभी भी कहीं भी, फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग राइड करते हैं, आपको पावर एंड टॉक चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गड्ढे में फंस गए या फिर आपको ऑब्वियसली हाईवे पे क्रूजिंग करनी है, तो यूनिट स्पीड, यूनिट पावर, यूनिट टॉक, तो डेफिनेटली बड़ी सीसी ही काम में आएगी, एक्टिवा या छोटी सीसी नहीं आएगी। अगर आप कंफर्ट चाहते हैं थोड़ा बहुत के लॉन्ग राइड में, तो डेफिनेटली आपको बाइक लेनी चाहिए बड़ी सीसी की, रॉयल एनफील्ड हो गई या फिर कोई और अगर आपका बजट है तो। तो गाइस, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है कंफर्ट। कंफर्ट क्या होता है? आपको आसानी, इजी टू राइड, इजी टू मेंटेन, इजी टू खड़ा करना बाइक को। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंफर्ट चाहिए ना यार, तो गो फॉर स्कूटी। अगर आप नॉर्मल, बेसिकली आपको रोज़ आना जाना, छोटे डिस्टेंस कवर करने हैं आपको, तो यार स्कूटी के लिए जाओ। मैं बोलूँगा बाइक के लिए मत जाओ। अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं या फिर अगर आप शौकिया लेना चाहते हैं ना लॉन्ग राइड पे, डेफिनेटली बाइक जो कंफर्ट देगी वो स्कूटी नहीं दे सकती, वो छोटी सीसी भी नहीं दे सकती है। अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं या फिर अगर आपके शौक हैं तो लो। अगर आप नॉर्मल छोटी राइड्स करना चाहते हैं, आप कंफर्ट देखना चाहते हैं, तो स्कूटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं दोनों का यूज़र हूँ, इसलिए मैं आपको अनबायस्ड रिव्यू दे रहा हूँ। मैं कोई बायसनेस नहीं करूँगा कि मैं रॉयल एनफील्ड ओन करता हूँ या फिर कुछ, तो मैं इसकी साइड लूँगा या फिर स्कूटी की साइड लूँगा। आई ओन बोथ, मैं दोनों का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ एंड इसलिए आपको अच्छे से एक डिसीजन लेने के लिए बोल रहा हूँ। गाइस, अब आ जाते हैं एंड पॉइंट पे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है बजट। बजट क्या चीज़ है? आप डिसाइड करो यार, अगर आपका बजट नहीं है, अगर आपका बजट है 60, 70, 80 thousand, उसमें रॉयल एनफील्ड तो डेफिनेटली नहीं आएगी। आएगी सेकेंड हैंड आएगी, एंड ऑब्वियसली सेकेंड हैंड बाइक का वो मज़ा नहीं है जो एक न्यू व्हीकल का मज़ा, ठीक है। आप किसी को भी देख के पंप अप होके मत लो कि यार वो ले रहा है तो मैं भी ले रहा हूँ, या लेने वाले तो हायाबूसा भी ले रहे हैं, लेने वाले तो प्लैटिना भी ले रहे। आपकी क्या हैसियत है आप वो डिसाइड करो। बोलने वाले तो कुछ भी करेंगे, कमेंट करेंगे, बोलेंगे अबे प्लैटिना ले लिया, अबे इसने ये ले लिया, वो ले लिया, भाई आप क्या ऑन करते हो। तो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। बजट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पंप होके कोई भी डिसीजन मत लो। लोन लेकर मैं बोलूँगा मत लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लो, नहीं कर सकते तो आउट ऑफ बजट मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। छोटी चीज़ है, मेहनत करो, वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो, शॉर्ट, सिंपल एंड क्रिस्प। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बेसिकली मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको जो मैंने एक्सपीरियंस गेन करा। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मैंने सही बोला तो वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं बोला तो डिसलाइक भी कर देना, मुझे एटलीस्ट पता तो लग गया आपको कैसा लगे मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, दिस इज़ द होस्ट एंड दोस्त हर्ष सानी। बाय बाय।